वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सुकीर्ति एंड आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ साड़ी मिस्टेक्स जो इजीली हमसे हो ही जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए एंड क्विक अपडेट के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो चलिए देख लेते हैं कौन से साड़ी मिस्टेक्स हैं जो साड़ी पहनते टाइम हम कर देते हैं और हमें नहीं करना चाहिए। सो विदाउट टॉकिंग टू मच लेट्स गेट इट। सो फ्रेंड, जो फर्स्ट मिस्टेक है दैट इज़ कभी हम जल्दी जल्दी में होते हैं तो हम फुटवेयर पहनना भूल जाते हैं एंड फटाफट साड़ी ड्रेप कर ली, उसके बाद जब हील्स कैरी किया तो वो बहुत ज़्यादा बेकार दिखता है। मतलब इतने ज़्यादा एंकल दिख रहे होते हैं या हील्स फ्रंट हो रही होती है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सो फर्स्ट पॉइंट इज कि जब भी आप साड़ी पहने, आप कितनी भी जल्दी में हो, हमेशा ये याद रखिए कि पहले हील्स को कैरी करिए देन साड़ी ड्रेप करिए। सो अगर आप इस वीडियो से रिलेट कर पा रहे हैं, आपने भी कभी ऐसी गलती करी है तो आप आगे से बिल्कुल नहीं करिएगा। तो ये थी फर्स्ट मिस्टेक जो हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। जब भी आप साड़ी ड्रेप करें हमेशा फुटवेयर को पहले वेयर करें फिर साड़ी ड्रेप करें, इससे आपका लुक बहुत ही अच्छा आता है। सो कमिंग ऑन द मिस्टेक नंबर सेकेंड, सेकेंड मिस्टेक, जब भी हम फ्री पल्लू स्टाइल करते हैं, मतलब ओपन पल्लू किया, एक सेफ्टी पिन यहाँ सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लिया, उसके बाद से पूरे पल्लू को ऐसे ही छोड़ दिया, तो जब भी हम कुछ कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। मतलब एक हाथ तो हमेशा फंसा ही रहता है बस पल्लू को संभालने में। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जब भी आप फ्री पल्लू ड्रेप कर रहे हों तो हमेशा सेफ्टी पिन से उसे अपने वेस्ट के साइड पर टक कर लीजिए, इससे आपका पल्लू भी ज़्यादा फिसलेगा नहीं, आप उसे इजीली कैरी कर पाएंगे एंड आप स्टाइलिश भी दिखेंगे। बिकॉज जब भी हम किसी भी आउटफिट में कंफर्टेबल नहीं होते तो वो हमारे फेस से पता चल जाता है। सो इस मिस्टेक्स को भी हमेशा अवॉइड करिए। जब भी आप फ्री पल्लू ओपन पल्लू ले रहे हो तो हमेशा सेफ्टी पिन से उसे वेस्ट के पास टक करिए, फिर आप उसे अपने हैंड पर इजीली संभाल सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन द मिस्टेक नंबर थर्ड, तो जब भी आप प्लीट्स वाला पल्लू टक कर रहे हो तो उसको बैक करके यहाँ पे सेफ्टी पिन बिल्कुल मत लगाइए, वो बहुत ज़्यादा ख़राब दिखता है। अगर आप ज़्यादा स्लिम हैं तो फिर आपके ऊपर थोड़ा सा अच्छा भी लग सकता है, अगर आप थोड़ा कवी हैं बल्कि बॉडी शेप में हैं तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिखता है। सो इस चीज़ को हमेशा अवॉइड करिए, हमेशा सिंपल सी प्लीट्स बना के उसे अच्छे से टक करिए और ये यहाँ साइड में उठा के टक करना बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। सो थर्ड इज़ कि आप इसे सेफ्टी पिन से इस जगह पर सिक्योर करना अवॉइड करिए। एंड द मिस्टेक नंबर फोर्थ, सो फोर्थ मिस्टेक इज़ दैट कि जब भी हम अपनी प्लीट्स बनाते हैं, प्लीट्स बनाने के बाद ऊपर से हम कोई ब्रोच या नॉर्मल सेफ्टी पिन तो लगाते ही लगाते हैं, बट जब भी प्लीट्स कंप्लीट हो जाए तो उन्हें एक जगह गैदर करके एक अंदर से सेफ्टी पिन से इसको सिक्योर कर लीजिए, फिर आप टक करिए, ऊपर से आप ब्रोच लगाइए या जो भी आपको जैसे भी स्टाइल करना है आप कर सकते हैं। सो इससे क्या होगा, आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको ज़्यादा चलना पड़ रहा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं हुई कि प्लेट्स खुल रही है या ढीला लग रहा है, फिर बहुत सही लगता है। सो जब भी आपको अपनी प्लेट्स को टक करना हो, टक करने से पहले उसे सेफ्टी पिन से अच्छे से सिक्योर कर लीजिए, फिर उसे अपने बेस पर टक करिए, इससे आप ज़्यादा वॉक भी करेंगे तो भी आपकी प्लेट्स खुलेंगी नहीं। सो गाइज, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कैसी लगी वीडियो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।